देयर वंस लिव्ड ए शूमेकर हु वर्क्ड वेरी हार्ड टू मेक ए लिविंग। बहुत समय पहले की बात है, एक जूते बनाने वाला कारीगर था। बट दो ही वर्क हार्ड, ही डिड नॉट अर्न इनफ टू फीड हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। हालांकि वो बहुत मेहनत करता था, फिर भी इतना नहीं कमा पाता था कि वो अपनी और अपने पत्नी का पेट भर सके। वन डे ही हैड जस्ट इनफ लेदर लेफ्ट टू मेक ए सिंगल पेयर ऑफ शूज। एक दिन उसके पास बस इतना ही लेदर का टुकड़ा बचता है कि वो केवल एक ही जोड़ी शूज बना सकता था। ओ डियर, ही साइड, इफ नोबडी बाय दीज शूज वी शैल हैव नो फूड टू ईट फ्रॉम टुमारो। और वो बड़े ही दुखी मन से अपनी वाइफ को कहता है कि अरे डियर, अगर आज भी किसी ने ये शूज नहीं खरीदे तो कल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। दैट इवनिंग ही कट द लेदर एंड लेफ्ट द पीसेस ऑफ हिज वर्क टेबल। उसी शाम को वह लेदर के उस टुकड़े को काटता है और उन्हें वहीं वर्क टेबल पर रख देता है। आई एम टू टायर्ड टू वर्क नाउ, ही सेड टू हिमसेल्फ। और वो खुद से ही कहता है कि आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। आई शैल फिनिश दिस पेयर ऑफ शूज टुमारो मॉर्निंग, इसलिए मैं कल सुबह उठकर इस पेयर ऑफ शूज को फिनिश करूँगा। मॉर्निंग केम एंड सून द शू मेकर वॉज रेडी टू बिगिन हिज डेज वर्क। सुबह भी आ जाती है और वो शू मेकर अपने हमेशा के काम के लिए तैयार होता है। वैन ही वेंट टू हिज वर्क टेबल, और जब वो अपनी वर्क टेबल के पास जाता है, हिज आइज ग्रू वाइड इन सरप्राइज। उसकी आँखें तो खुली की खुली रह जाती है। देयर ले बिफोर हिम ए पेयर ऑफ ब्यूटिफुल मैट शूज। वहाँ पर वो बड़े ही सुंदर एक जोड़ी शूज की देखता है। द शू मेकर कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ। अब वो शू मेकर होता है, वो अपनी वाइफ को बुलाता है। कम क्विकली माई डियर, ही सेड। वह कहता है कि जल्दी आओ माई डियर, लुक एट दिस पेयर ऑफ परफेक्टली मेड शूज, कि देखो कितने सुंदर तरीके से बनाए हुए शूज हैं। आई वंडर हु मेड देम, मुझे तो आश्चर्य है कि आखिर ये बनाए किसने हैं। यस, दे आर वेरी ब्यूटिफुल, सेड हिज वाइफ। और उसकी पत्नी कहती है, अरे हाँ, ये तो सचमुच बहुत ही सुंदर शूज हैं। लेटर इन द डे ए रिच मैन केम टू द शॉप। उसी दिन दोपहर को एक बड़ा ही धनवान सा आदमी उसकी शॉप पर आता है। वेन ही सॉ द शूज, ही सेड, व्हाट ए लवली पेयर ऑफ शूज। और जब वो उन शूज को देखता है तो वो कहता है, अरे ये तो बड़े ही प्यारे शूज हैं। दे आर ब्यूटिफुली मेड, आई वॉन्ट टू बाई देम, ये तो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं और मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ। ही पेड द शू मेकर डबल द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर एंड वेंट अवे विद द शूज हैप्पीली। और वो शू मेकर को ढेर सारे पैसे देता है, उससे डबल अमाउंट देता है जितने के वो शूज होते हैं, और वो उन्हें पहनकर बड़े ही खुशी के साथ वहाँ से चला जाता है। With the money the rich man had given, the shoemaker bought enough leather for two pairs of shoes. अब जो पैसे उस धनवान आदमी ने उस shoemaker को दिए थे, उससे shoemaker ने खूब सारा और leather खरीद लिया। He went home and cut the leather, और वो उसे लेकर घर गया और उस leather के टुकड़े किए। That night also he left the pieces on his table and went to sleep. उस रात भी उसने यही किया, उसने उन टुकड़ों के जो पीसेस थे उनको उसी टेबल पे छोड़ दिया और सोने चला गया। इट वॉज मॉर्निंग वंस अगेन, द शू मेकर वेंट टू हिज वर्क टेबल। और जब वापस सुबह होती है तो शू मेकर उस वर्क टेबल के पास जाता है। एंड व्हाट डू यू थिंक ही फाउंड देयर, और आप ही बताओ अब उसे वहाँ पर क्या मिलता है। टू पेयर्स ऑफ शूज, अब उसे वहाँ पर दो जोड़ी शूज की मिलती है। He and his wife looked at the shoes in wonder. वो और उसकी पत्नी वापस बड़े ही आश्चर्य के साथ उन शूज को देखता है। Sometime later, a rich lady walked in. कुछ देर बाद वहाँ पर एक धनवान महिला आती है। I am looking for a smart pair of shoes, she said. और वो कहती है कि मुझे कुछ सुंदर से शूज चाहिए। Have a look at this pair, said the shoemaker. तो वो शूमेकर उन्हें वो सुंदर से शूज दिखाता है और कहता है कि इन्हें देखिए। What a lovely pair, I will take the other one too, she said. तो वो बहुत खुश होती है और वो कहती है, अरे ये तो बड़े ही प्यारे हैं, और आप ऐसे करो, ये दोनों शूज की जोड़ी मुझे दे दो।
द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर नाउ अर्निंग ए गुड लिविंग, और इस तरह शू मेकर और उसकी वाइफ अच्छा खासा कमाने लग गए। एवरी नाइट द शू मेकर वुड कट पीसेस ऑफ लेदर एंड लीव देम ऑन द टेबल। अब हर रात को शू मेकर क्या करता था, उस लेदर के खूब सारे पीसेस काटता था और उन्हें टेबल पे वहीं छोड़ देता था। एवरी मॉर्निंग ही एंड हिज वाइफ वुड फाइंड दे हैड बीन मेड इन टू ब्यूटिफुल पेयर्स ऑफ शूज, और हर सुबह जब वो और उसकी पत्नी देखते थे तो उन्हें क्या मिलता था, उस लेदर के टुकड़े की जगह खूब सारे सुंदर सुंदर शूज मिलते थे। वन नाइट बिफोर क्रिसमस दे स्टेड अवेक टू सी हु वॉज मेकिंग द शूज, और एक दिन क्रिसमस की रात के पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना देखे तो सही कि शूज बनाता कौन है। एज द क्लॉक स्ट्रक 12, टू लिटिल एल्व्स केम इन रैक्स, और जैसे ही 12 बजते हैं तो दो छोटे छोटे एल्व्स, छोटे छोटे दो बच्चे आते हैं। दे सेट डाउन एंड स्टार्टेड टू शू द पीसेस ऑफ लेदर, और वो वहाँ उस रूम में बैठ जाते हैं और वो जो लेदर के पीसेस थे उनसे सिलना स्टार्ट कर देते हैं। सून द शूज वर रेडी, और थोड़ी देर बाद सुंदर से शूज तैयार हो जाते हैं। दे लेफ्ट देम ऑन द टेबल एंड स्लिप्ड आउट क्वाइटली, वो उन्हें उस टेबल पे रखते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। सो नाउ वी नो हु मेड अस रिच, सेड द वाइफ, तो उसकी पत्नी बोलती है तो अच्छा अब हमें पता चला कि हमें धनवान किसने बनाया है। वी मस्ट रिवार्ड देम, अब हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। Why don't we make them some good clothes and shoes as a Christmas present? said the shoemaker. तो shoemaker ने अपनी wife को advice दी कि क्यों ना Christmas present में उन लोगों को सुंदर सुंदर कपड़े और shoes ही दे दिए जाएं। It was Christmas Eve, और इस तरह वो Christmas की शाम आ गई। The elves came in as they always did, और जैसे कि वो elves जो हमेशा आते थे वो उस दिन भी आते हैं। But this time they did not find cut pieces of leather, लेकिन आज उन्हें वो leather के कटे हुए टुकड़े नहीं मिलते। Instead they were delighted to find two lovely sets of clothes and two pairs of shoes, और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, सुंदर सुंदर कपड़े और दो जोड़ी नए shoes. They put on the clothes and shoes and dance around the room. और वो भी बड़े खुश हो जाते हैं, वो उन कपड़ों को पहन लेते हैं और शूज़ भी पहन लेते हैं और पूरे रूम में डांस करने लगते हैं। Finally they dance out of the shop. और इस तरह वो डांस करते करते उस शॉप से चले जाते हैं। People came from far and wide to buy the shoes that the shoemaker made. और इस तरह खूब सारे लोग दूर दूर की जगह से आते हैं और उसके शूज़ को खरीदते हैं, और इस तरह शूमेकर और उसकी वाइफ धनवान भी हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं।